अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ टॉप इंट्रोडक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर स्टेट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। गैसेज की करैक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस के ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना उसका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। ओपन स्पेस में गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैसेस तमाम हर जगह पर मौजूद होती हैं। देयर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक। उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं कमज़ोर होती हैं, इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला ज़्यादा होता है। प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। प्रेशर गैसेस की सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि गैस जो है तब प्रेशर एग्जर्ट करती है जब वो वॉल ऑफ द कंटेनर से बार बार टकराती है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड की करैक्टरिस्टिक्स को बयान करना है। लिक्विड हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप इसकी डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि आप देखें आप पानी को लेते हैं, 1 लीटर वाटर, इट मींस ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन आप उसकी शेप नहीं बता सकते। आप उसको अगर किसी गिलास में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, अगर आप किसी को उसको बर्तन में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेता है, तो उस वजह से उसकी शेप फिक्स नहीं होती। नंबर 3, लिक्विड्स आर लेस मोबाइल दैन गैसेज। लिक्विड्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से हरकत करने वाले नहीं होते, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत जो है वो तेज़ होती है। स्टेट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की खसूसियात, सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों मखसूस होते हैं। दे आर रिजिड एंड डेंसर दैन लिक्विड्स एंड गैसेज। ये सख्त और भारी होते हैं लिक्विड और गैस की निस्बत। दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये अमॉर्फियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कूलियम्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, आई शुड डिफ्यूज इज 4 times फास्टर दैन O2 गैस। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गैस के हवाले से, कि डिफ्यूजन गैस की डिफ्यूजन क्या है। तो ये कंसनट्रेशन मतलब हाईली कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ इसकी मूवमेंट है। आप देखें, आप रूम फ्रेशनर को कमरे के एक कॉर्नर में अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो दूसरे कॉर्नर तक भी पहुंच जाती है और बड़ी तेज़ी से पहुंचती है। तो जहां पर आप स्प्रे करते हैं वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन वो मूव करती है लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है। और चूँकि गैस की मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है, तो इस तरह से खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। याद, स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।